So guys, welcome to my YouTube channel. My name is Karthike. I'm a fourth year medical student. Of course, today is going to be day one, year four. And after so long, काफी समय के बाद आज हम पहनेंगे apron, lab coat, and of course, अब हमारा university का सफर होता है खत्म. I mean, अब हम hospitals में classes लेंगे. And there will be much more to learn. And I think it's going to be interesting. Of course, अगर आपको हॉस्पिटल जाना है तो आपको फिर एक अलग तरीका होता है, ऑफकोर्स विद लैब कोट, एंड जब सर्जरी की क्लास लगेगी तो स्क्रब्स, बट आपके पास होने चाहिए क्रॉक्स किसी भी कलर के, बीट ब्लू, वाइट और एनीथिंग, एंड इसको आप पहन के फिर हॉस्पिटल्स में एंट्री लेते हो. अगर आपके पास ये नहीं है सो यू विल बी डिनाइड द एक्सेस ऑफकोर्स, बट लेट्स गो. और एक और ज़रूरी बात, अब तक ये तो देख लिया बैग में कितने सामान जाते हैं, तो हवाबाजी वाले बैग ना खरीद कर एक स्पेशियस बैग खरीदना वुड बी अ बेटर चॉइस. सो आज हमारा फर्स्ट डे था तो इसलिए प्रीस्ट आए थे हालेलुया करने के लिए. हमारी क्लास खत्म हुई, इट वॉज कंटिन्यूसली फॉर 5 hours, एंड क्योंकि अब दो क्लासेज एक सब्जेक्ट की लगातार लगती हैं, एंड ये हमारे कैडेवर बने थे आज भाई, तो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. 5 घंटे लगातार क्लास करनी, एंड क्लास में हमें चेंज करना होता है, देन अब आज के लिए हमारे मतलब जिंदा थे, कैडेवर नहीं थे, बट स्टिल एक मॉडल, एक्सपेरिमेंटल मॉडल जिस पर हम पैल्पिटेशन कर रहे थे. सो अब बाकी क्लास हुई कल, वी आर डन फॉर द डे. सो इट्स ओनली टाइम इन द वीक जब हमारी फर्स्ट क्लास लगती है, अब सुबह सुबह उठ के आना होता है. इसके अलावा मंडे टू थर्सडे रोज सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास ही लगती है. सो यस, एंड द सब्जेक्ट इज फिजिकल, कौन सा है, रिहैबिलिटेशन.
सो इस क्लास में मुझे वो कुछ एक फॉर्म मिला भरने में अपनी इंफॉर्मेशन भरनी थी एंड ड्यू टू कोविड अभी हमारे इसके प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे ऑफकोर्स बहुत सारे रीजन लेट्स सी व्हाट हैपेंस आज हमारी क्लास वैसे भी जल्दी छूट जाएगी क्योंकि स्टूडियो में कहीं जाना है चार घंटे की क्लास हो रही है बट शॉर्ट करके सिर्फ जाएंगे दो घंटे की होगी गुड फॉर अस क्लास वगैरह खत्म होने के बाद आज कुशांग का बर्थडे था एंड कुशांग रात में पार्टी थी और सुबह फिर से पार्टी दे रहा है रात में फिर से पार्टी देगा इधर देखना फिर उसके बाद वीकली क्लासेस तो चली रही है लेकिन साथ बाई साथ दो सालों बाद आज हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो उसका भी अलग एक्सपीरियंस हो रहा है तो सब कुछ करते हुए दिखा रहे हैं इसके बाद फिर वापस से घर जाएंगे फिर कल सुबह होगा फिर उसके बाद वापस से क्लास जाएंगे फिर दो दिन बीच में वेकेंट पड़ेगा उसकी वीडियो नहीं फिर मंडे ट्यूजडे तक डालूंगा क्योंकि वीक शुरू हुआ वेडनेसडे से तो इनके पास ऑलरेडी एक चश्मा है और ये अब इसके ऊपर एक नया मोतियाबिंद स्टाइल चश्मा पहन के दिखाएंगे मोतियाबिंद स्टाइल ठीक है अच्छा पहन के तो दिखा कैसा लग रहा है जल्दी पहन अच्छा लग रहा है जल्दी पहन के दिखा कैसा लग रहा है देखा जाए लुक कैसा आता है इन पे इधर देखना इधर कैमरे में इधर तो देख तो आप बताइए कमेंट करके क्या ये मोतियाबिंद वाले चश्मे लग रहे थे या नॉर्मल तो आज हम लोग पीडियाट्रिक्स हॉस्पिटल में बच्चों के हॉस्पिटल में एंड वी हैव अ वन ईयर ओल्ड बॉय जिसको हम अभी विजिट करने जा रहे हैं सो लेट्स सी क्या केसेस होते हैं उसको क्या प्रॉब्लम्स होती हैं एंड स्टफ्स ये हमारी ऑप्थल्मोलॉजी की क्लास थी ये बगल में हमारे पेशेंट बेहतर इनका आज एग्जामिनेशन हुआ आपका कैसा आपको फील हो रहा है कोई दर्द या कुछ फ्री में इलाज इलाज नहीं मतलब इनका जो टेस्ट हुआ है इनके आई की पावर कितनी थी क्या सीन था बाकी सब सो ऐसे ही मतलब ऑप्थल्मो की क्लास में मेनली आई गेस इट वाज फर्स्ट क्लास सो आगे भी ऐसा होते रहे तो गुड एक्सपीरियंसेस ऑन द वे सर्जरी क्लास लगती है तो आपको ये पहनना होता है इंस्टेड ऑफ अ लैब कोट इफ यू आर गोइंग ऑन राउंड्स ऑफ कोर्स एंड इट्स फील्स गुड कि जो यहाँ के डॉक्टर्स की प्राइवेट क्लिनिक है वहाँ पे भी हमारा एक्सेस है लाइक वो पर्सनली लेके आते हैं कुछ वो हॉस्पिटल्स में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ तो क्लासेस लगते हैं बट ही हिमसेल्फ इनवाइटेड अस कि यू कैन कम टू माई क्लिनिक एंड यहाँ पे एक ऐसा लाइक अपने होता है कि एक हॉस्पिटल खुल गया कई सारे डॉक्टर्स होते हैं ये भी सेम ही है लेट मी शो अराउंड डेल्टा मेड आई थिंक इट्स अ प्राइवेट क्लिनिक टीवी वगैरह पे इनके डॉक्टर्स के इंटरव्यू चल रहे हैं एंड अगेन दिस पेशेंट यू नो ये हमेशा इनको कुछ ना कुछ लगा रहता है Yes, it will be the necrosis, but after laser it's aseptic necrosis and tissues will be healthy. You will have such hotel for you. Все добре? Можете відчувати трошки тепло, не лякайте.
यू सीन द सुपरमार्केट बिहाइंड मी, ये जस्ट क्लास के जस्ट बगल में ही है जो हमारी लगी इन बिटवीन द क्लास, इन बिटवीन द क्लास 15-20 मिनट के ब्रेक्स होते हैं। तो ये मिलते हैं रोलिनी, इट्स कॉल्ड रोलिनी। इसके क्या अंदर आ रहा है, पालक भरा है, ठीक है। बेसिकली पहचान कैसे है, अगर आपको वर्ड नहीं भी आते हैं तो हल्का सा हरा होता है, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा हरा, ठीक है। फिर सो ये वीकेंड व्लॉग का प्रोबेबली लास्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम वापस एक हफ्ता कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी क्लास है सर्जरी की, यूजुअली जो लगती है वो जो सबसे बड़ा इमरजेंसी हॉस्पिटल है वहाँ, लेकिन ये जो हॉस्पिटल है ये जस्ट यूनिवर्सिटी के ठीक पीछे है। एंड आई थिंक आई एम द फर्स्ट वन जो आपको ये हॉस्पिटल दिखा रहा है एक्चुअली। सो लेट्स गो इन। जस्ट हैपेंड अभी कि हम लोग जिस हॉस्पिटल में गए थे, कुछ ग्रुप्स की वहाँ क्लासेस लगती है, कुछ ग्रुप्स की यहाँ। तो हमारी क्लासेस इस विंटेज बिल्डिंग के अंदर लगने वाली है। इफ़ यू कैन सी हेयर, इट्स रिटन लवीव रीजनल क्लिनिकल हॉस्पिटल समवेयर हेयर। सो लेट्स गो इन बिकॉज आई एम गेटिंग लेट, ऑफकोर्स वरना मेरी क्लास मिस हो जाएगी और मेरे ग्रुप वाले मुझे छोड़ के अंदर चले जाएंगे। लेट्स गो। फर्स्ट डे होता है तो बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल नहीं कि मैं कहूँगा, बट घूमना फिरना पड़ता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता है क्लासेस कहाँ है कहाँ नहीं है। एक ही सर्जरी के डिपार्टमेंट में बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो ऑपरेशन भी करते हैं, जो ऑपरेशन करके फ्री होते हैं फिर वो आते हैं आपकी क्लासेस लेने। एंड इफ़ यू वुड बी लकी इनफ दिस पोस्ट कोविड या जो भी सीन चल रहा, तो हमें भी कुछ देखने का अवसर मिलता है। Да.